भारत जीती वर्ल्ड कप फाइनल तो रो पड़े साउथ अफ्रीकी दिग्गज। जी दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा रहा है और इस मैच को जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया। लगभग 11 साल बाद भारत ने कोई ICC ट्रॉफी जीता है। भारत की इस शानदार जीत और साउथ अफ्रीका की हार पर अफ्रीकी दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया है। डेल स्टेन और ABD विलियर्स, ग्रेम स्मिथ से लेकर मार्क बॉचर ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस फाइनल मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, हालांकि कि टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहले 9 गेंदों में कोहली और रोहित ने जरूर 5 चौके लगा दिए थे, लेकिन इसके बाद भारत ने लगातार अपने 3 विकेट गवा दिए। 34 के स्कोर पर ही भारत के 3 बड़े विकेट गिर गए। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत दोनों दूसरे ओवर में केशव महाराज को खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। रोहित ने 9 रन बनाए तो पंत अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया मुसीबत में आ गई थी, लेकिन इसके बाद 5वें नंबर पर प्रमोट किए गए अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने विराट कोहली का अच्छा साथ किया और अफ्रीकी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। कोहली संभल कर खेल रहे थे तो अक्षर पटेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच 4थे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि 14वें ओवर में अक्षर रन आउट हो गए। उन्होंने 31 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। यहां से फिर कोहली को शिवम दुबे का साथ मिला। दोनों ने टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। विराट कोहली 59 गेंदों में 76 रनों की एक अहम पारी खेलकर आउट हुए। वही दुबे ने 16 गेंदों में 27 रन बनाए। इस तरह भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए महाराज और नोकिया ने 2-2 विकेट झटके। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ही ओवर में रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर चलता किया। इसके बाद तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने एडेन मार्करम को भी आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद हेनरी क्लासेन ने जरूर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन अंतिम ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर मैच में वापसी की और भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लगभग 11 साल बाद भारत ने कोई ICC ट्रॉफी जीता है। वही दोस्तों, टीम इंडिया की इस शानदार जीत और साउथ अफ्रीका की इस हार पर साउथ अफ्रीकी दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले डेल स्टेन ने कहा, आज मेरा दिल टूट गया। गेंद से जिस तरीके से हमने शुरुआत की, तब मुझे लगा आखिरकार वर्ल्ड कप जीतने का सपना आज पूरा होगा। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने मैच में शानदार वापसी की। टीम इंडिया को इस जीत के लिए बधाई देना चाहूंगा, हालांकि हमारी टीम ने भी काफी अच्छी लड़ाई लड़ी। वही इसके बाद ABD विलियर्स ने कहा, टीम इंडिया को इस शानदार जीत के लिए मैं बधाई। आखिरकार 11 साल बाद उनका ICC ट्रॉफी जीतने का सपना सच हो गया। क्या फाइनल था ये, साउथ अफ्रीका ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में भारत बेहतर टीम निकली। अक्षर पटेल इस मैच के हीरो रहे। उन्होंने जो साउथ अफ्रीका पर काउंटर अटैक किया, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वही विराट कोहली ने भी एक अहम पारी खेली। वही रोहित शर्मा की कप्तानी की जितनी तारीफ करे उतने कम है। वही दोस्तों, ग्रेम स्मिथ ने कहा, भारत ने आज पूरे साउथ अफ्रीका का दिल तोड़ दिया, लेकिन भारत इस वर्ल्ड कप को जीतना डिजर्व करती थी। वो एक बेहतरीन टीम है और इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 43 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भी वो दबाव में नहीं आए और काउंटर अटैक किया। और ये है नई टीम इंडिया, रोहित शर्मा की टीम इंडिया, जो बेकऑफ खेलती है। इसलिए इस वर्ल्ड कप जीत के लिए कप्तान रोहित शर्मा को पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। वही इसके बाद मार्क बॉचर ने कहा, भारत को हराना कभी भी आसान नहीं था। ये टीम बेकऑफ खेलती है और इस मैच में भी कुछ ऐसा देखने मिला। एक बार फिर इम्पोर्टेंट मैच में विराट कोहली का बल्ले चला। वही जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या ही कहे। सभी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। एक समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद भारत ने जो कमबैक किया वो कमाल था। दोस्तों, कुछ इस तरह था भारत की जीत पर साउथ अफ्रीकी दिग्गजों का बयान। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।